हरिंधरा क्षेत्र में लगातार किसानों की बिजली मोटर और ट्रैक्टरों की बैटरी चोरी होने के पिछले कई दिनों से मामले आ रहे थे। इन मामलों को सुलझाने के लिए पिछले कई दिनों से खनिधना पुलिस प्रयासरत थी और पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश सिंह चंदेल द्वारा भी शीघ्र से शीघ्र इन चोरी के मामलों को सुलझाने के लिए आदेशित किया गया था। इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला शिवपुरी श्री प्रवीण कुमार पुरिया और SDOP पिछोर श्री दीपक तोमर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री तिमेश झारे ने अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। दिनांक 13/11/2022 थाना प्रभारी खनिया थाना श्री तिमेश झारे को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि खनिया थाना पिछोर मार्ग पर दो लोग चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के फिराक में घूम रहे हैं। थाना प्रभारी तिमेश झारे ने तत्परता दिखाते हुए दो युवकों को खनिया थाना पिछोर मार्ग से गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों के पास से चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर दोनों युवकों ने अलग अलग चोरियों में करीब 5 विद्युत मोटर और 4 ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करना कबूल किया है। चोरी का सारा माल खनिया थाना पुलिस द्वारा दोनों युवकों से बरामद कर लिया गया है। खनिया थाना से चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट। एक मोटरसाइकिल चोरी की थी कस्बा खनिया थाना से, उसमें चोरी का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही थी। इसी दौरान कल जो है पुलिस को सूचना मिली कि दो लड़के जो है मोटरसाइकिल को बेचने के उद्देश्य से खड़े हैं। इस सूचना पर दोनों आरोपियों को पकड़ा और चोरी हुई मोटरसाइकिल से बरामद हुई। दोनों आरोपियों के नाम सोहेल वंशकार, दूसरे का नाम शिवेंद्र छत्र प्रकाश बुदेला, ये दोनों खनिया थाना के निवासी हैं। इनके कब्जे से चोरी हुई मोटरसाइकिल और 5 बिजली की मोटरें और ट्रैक्टरों की 4 बैटरी उन्होंने चुराई थी अलग अलग जगह से। इनके विरुद्ध अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किए गए और इनको न्यायालय में पेश किया है और जेल वारंट पर जेल दाखिल किया जा रहा है। धन्यवाद।